आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदू गॉड्स का एवोल्यूशन इन वीडियो गेम्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2009 में फर्स्ट 3D ओपन वर्ल्ड इंडियन गेम रिलीज हुआ था, जिसका नाम था हनुमान द बॉय फॉर्डर। एंड गाइस, पहली बार किसी गेम में हिंदू गॉड्स को ऐसा मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया था। सच में गाइस, इस गेम की स्टोरी लाइन और उस समय के ग्राफिक्स हमारे इंडिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। गाइस, ये तो शुरुआत है, नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कौचित्यान। ये गेम 2012 में मोबाइल के लिए रिलीज हुआ था एंड इस गेम को डेवलप किया था हंगामा गेम्स ने। एंड बेसिकली ये गाइस गेम बेस्ड है एक साउथ इंडियन मूवी जिसका नाम है कौचित्यान, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मूवी थी। ये गेम काफ़ी ज़्यादा अनरेटेड है लाइक दिस मूवी। सो गाइस, मैं एक बार डेफिनेटली कहूँगा आप इस गेम को जो चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी पुराना गेम है पर हमको प्राउड होना चाहिए कि उस समय भी ऐसे गेम्स बन रहे थे। अनचार्टेड का तो नाम हम सब ने सुन रखा होगा। ये गेम 2017 में रिलीज़ हुआ था एंड गाइस, इस गेम के ग्राफिक्स और फाइटिंग कॉम्बैट्स एंड अदर मैकेनिज्म ने काफ़ी सारे गेमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था। एंड गाइस, इस गेम की ये क्लिप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके अंदर हमारे गॉड शिवजी जी को ऐसा काफ़ी ब्यूटीफुल रूप में दिखाया गया है। सच में एक बार इस गेम को हैट्स ऑफ कि एक फर्स्ट फॉरेन कंपनी है जिसके अंदर हमारे हिंदू गॉड्स को इतना ब्यूटीफुल रूप में दिखाया गया है। ये तो बस शुरुआत है, और भी अच्छे गेम्स आने वाले हैं। लिस्ट में अगला गेम रिलीज हुआ था 2020 में एंड गाइस, मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है, जिसका नाम है तानाजी द लॉन मराठा वॉरियर। आपने तानाजी मूवी तो देखी होगी, ये गेम कुछ हद तक उस पर बड़ी बेस्ड है। एंड गाइस, इस गेम को डेवलप किया था आबरा का डाबरा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने। स्टार्टिंग में गेम मोबाइल के लिए आया था, लेकिन बाद में इस गेम को पीसी के लिए भी रिलीज कर दिया गया था। एंड गाइस, इस गेम की स्टोरी लाइन और ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड गाइस, ये प्योरली मेड इन इंडिया गेम है, सो आपको मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि आप इस गेम को जरूर खेलिएगा। चलिए हम नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ते हैं, जो तो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। 2020 में जब पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था, तब एक ऐसा गेम रिलीज़ हुआ था जिसने पूरे वर्ल्ड को दिखाया था कि हम इंडियन डेवलपर से कैसा गेम बना सकते हैं। जी गाइस, मैं बात कर रहा हूँ राजी द एंशिएंट एपिक के बारे में। इस गेम को डेवलप किया था नॉरिंग हेड स्टूडियोज़ ने। एंड गाइस, एक स्मॉल टीम जिसने एक काफ़ी हाई क्वालिटी गेम बनाया था एंड इसने फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस भी जीते हैं। एंड इस गेम के अंदर हमारे हिंदू गॉड्स की स्टोरी और उनके विजुलाइजेशन को काफ़ी अच्छे रूप से दिखाया गया है। अगर आपके पास पीसी है तो प्लीज़ इस गेम का जरूर एक बार ट्राई दीजिएगा। एंड ये गेम बहुत जल्द मोबाइल पर भी आने वाला है, मैं आपको बता दूंगा। अब आप में से सभी लोग तो राम मंदिर के बारे में जानते ही होंगे, सो उसी के ऊपर भारत गेम्स ने एक ऐसा गेम बनाया है जिसको हर एक इंडियन को खेलना चाहिए। जी गाइस, मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर के बारे में। इस गेम में आपको ब्यूटीफुल ग्राफिक्स और साथ ही साथ अमेजिंग भजन सुनने को मिल सकते हैं, जिससे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो सकता है। ये गेम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और ये प्ले स्टोर पर पेड और फ्री वर्जन दोनों अवेलेबल हैं। सो गाइस, इसको भी जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। एंड ये गेम एक सोलो डेवलपर ने बनाया है, सो उनकी मेहनत को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। ये गेम 2021 में मोबाइल के रिलीज हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद महाकाल एक काफ़ी बढ़िया स्टोरी बेस्ड एडवेंचरस गेम है, जो कि मोबाइल के रिलीज़ हुआ है। एंड गाइस, ये भी एक मेड इन इंडिया गेम है। इसके अंदर हमको शिवजी जी के भक्ति कहानी दिखाई जाती है। मैंने इस गेम को अभी ट्राई नहीं किया है, तो आप इस गेम को जरूर एक बार ट्राई करके बताइएगा कैसा गेम है ये। ये गेम 2021 में मोबाइल का रिलीज़ हुआ था। चलिए अब बिना किसी देरी के नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे हार्डवर्क के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्लिप जरूर देखी होगी। जी गाइस, ये क्लिप है स्माइट सीजन 9 गेम से। एंड गाइस, इस गेम में हमारे हिंदू गॉड्स को काफ़ी अच्छे रूप से दिखाया गया है, बट इसके पिछले सीजन की कंट्रोवर्सीज काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके लेकर हमारे इंडियन गेमर्स और कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स इस गेम को पसंद नहीं करते हैं। बट गाइस, सच में इस क्लिप में हमारे गॉड शिव जी को काफ़ी ब्यूटीफुल और अच्छे रूप से दिखाया गया है। सो गाइस, इसके लिए हेड्स ऑफ। हमारी लिस्ट का आखिरी गेम है गोरा अनटोल्ड एपिक। इस गेम को एक सोलो डेवलपर जिसका नाम है तिकेश वैष्णव और उनकी स्मॉल टीम ने डेवलप किया है। ये गेम मोबाइल और पीसी दोनों के लिए रिलीज़ होने वाला है। एंड इस गेम की स्टोरी लाइन, ग्राफिक्स और मैकेनिज्म काफ़ी सारे गेमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाली है। एंड गाइस, एक ऐसा गेम बनने वाला है जो हमारे इंडिया को एज अ ग्लोबल लेवल रिप्रेजेंट किएगा। सो गाइस, आपको मैं 100% रिकमेंड करूँगा, जब ये गेम आएगा तो आप इसको जरूर खेलिएगा एंड इस गेम के डेवलपर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि ऐसे गेम और निकल के आए, जिसके अंदर हमारे हिंदू गॉड्स और हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाए इन अ गुड मैनर।
सो गाइस अब मैंने एक स्मॉल मॉन्टेज बनाया है इन सभी गेम्स को कंबाइन कर, इसको आप जरूर देखिएगा एंड एंड में आपके लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज है, सो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सो आप आराम से इंजॉय कीजिए। See my house from here. Did the bar to stop him? But it was her only way to reach Golu. शायद राजी मरने वाली थी, शायद वो हार गई थी। As Raji drifted, हे राम, 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 जग में सचो एक सीक्रेट गिव अवे अनाउंस होने वाला है, आगे इस वीडियो में देखते रहिएगा। Life, destruction. Creation, threads of the same fabric. No matter who you worship, where you call home, we are all connected in this life. अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए राजी एंशिएंट एपिक ताकि आप ये गेम जीत सके। ये गिव अवे है सीक्रेट।